जी मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ। लोगों की ताकत इतनी होती है कि ये सब चलता है और सदियों से चलता है। आज हम 20 फैमिली बोलेंगे, 400 साल पीछे चले जाओ तो एक ही फैमिली होती थी उस देश को कंट्रोल करने वाली, या उनको मानने वाली 10-20 फैमिलियां होती थी जिनको हम सरदार बोलते थे, उमराव बोलते थे। आज ये यही बात है। लेकिन जब जनता रस्ते पर आ जाती है तब कोई बड़ी फैमिली छोटी फैमिली नहीं रहती। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को धोखा वगैरह नहीं होता और जिंदगी में चढ़ाव और चढ़ उतार होते हैं। कभी राजनीति गिरती है, कभी उभर कर उठकर आती है, तो ये तो चलता रहता है। देखो नाखून तो हम उखाड़ कर नहीं फेंक सकते, बाल पूरे के पूरे मुंडवा के ले लो तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन उखाड़ नहीं सकते, उनकी भी एक अहमियत होती है। हम जब स्टोरी उपन्यास देखते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें विलन का भी होना जरूरी होता है, नहीं तो वो स्टोरी कौन देखेगा। सब सब अच्छा 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 चल रहा है, ऐसी कोई स्टोरी होती नहीं। मीठा खाते हैं तो तीखा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं। तो ये सब चीजें जैसे खाने में जरूरी है, वैसा ही कुछ गलत लोग जिंदगी में पॉलिटिक्स में जरूरी होते हैं। देखिए कुछ ये जो आप बोल रहे, तो 60-70 के 80 के जमाने में कांग्रेस तो टाटा बिरला को बेची गई है बोलते थे, आज तो अदानी अंबानी बोलते टाटा भी जगह अदानी अंबानी ने ले ली। तो आगे चलकर कोई बोलेगा चौधरी तोरसे करके कब्जे में है, तो ऐसा नहीं होता। जब तक जनता है और ये देश, हम बोलते हैं ना, इकबाल ने लिखा है कि दुश्मन रहा सदियों जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं है हमारी। नहीं तो रोमन चाइना डूब गया, इजिप्शियन बूट डूब गए, लेकिन ये कल्चर नहीं डूबता क्योंकि ये जमीन से जुड़ा है, इसी जमीन से उगा हुआ है। और जब ये समय आता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मजाक नहीं है। तो वो जो भगवान का अवतार आता है ना, वो कोई भगवान नहीं होता, वो जनमानस का प्रतीक बनकर कोई नेता खड़ा हो जाता है, फिर हम उसको अवतार मानते हैं। लेकिन वो आता है कहां से, कभी राम बनकर आता है तो कोई राजघराने से आता है, कभी तो किसी गाय के पालने वाले जो होते हैं, गौली होते हैं, गोपालन होते हैं, उनके पास से आता है, उनके घर से आता है, लेकिन आ जाता है। इसलिए ये इस देश की सिक्योरिटी इस देश की मानसिकता में है। जी मानसिकता में तो 15 फैमिली हो, 10 फैमिली हो, 50 फैमिली हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो करेंगे, वो करने की कोशिश भी करेंगे। एक होता है सत्ता और पैसा जो होता है, उसकी एक नशा होती है, और जो नशा होती है उस नशे में लोग मैं जो बोलूंगा वही होगा, और नशा इतनी होती है कि सब कुछ चला गया फिर भी नशा नहीं निकल जाती। राहुल गांधी को देखिए, अभी भी उनको पता नहीं चला है कि भाई कांग्रेस या यूपीए की सरकार है ही नहीं, वो अपने नशे में धुत है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उनके ही बड़े लीडर, बुद्धिमान लीडर जयराम रमेश ने 2017 में बोला था, 18 में, कि सल्तनत तो चली गई लेकिन शहजादे अभी भी सुल्तान शाही चला रहे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था, उसमें जयराम रमेश ने बोला था ना। तो नशा वो होती है,